हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैच हैप्पीनेस विद शिवानी में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि के व्रत में फलाहारी भोजन या व्रत के भोजन के साथ ही व्रत में खाई जाने वाली खास घर पर ही जल्दी से बन जाने वाली मिठाई की रेसिपी आज मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों, बने रहिएगा इस वीडियो में और एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं रामदाना के गुड़ वाले लड्डू और रामदाने से ही चीनी से बनी बर्फी। चलिए शुरू करते हैं। जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रों के दौरान आपको बाजार में आराम से ये रामदाना मिल जाएगा। इसका एक्चुअल टेस्ट फीका होता है। तो दोस्तों, मैंने 2 पैकेट रामदाना के ले लिए हैं लड्डू और बर्फी के लिए। ये 100 ग्राम का पैकेट है। ये बहुत ही हल्के होते हैं, इसलिए ज्यादा दिख रहे हैं। सबसे पहले हम एक पतीले में 2 कटोरी यानी 200 ग्राम चीनी को 1.5 ग्लास पानी डाल के मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट उबलने चढ़ा देंगे। हमें चाशनी नहीं बनानी फ्रेंड्स। और जब तक ये चीनी और पानी थोड़ा गाढ़ा होगा, तब तक हम लड्डू बना लेते हैं। तो एक पैन में 2 चम्मच देसी घी डाल के उसमें डालिए 150 ग्राम गुड़। इस गुड़ को थोड़ा मेल्ट कीजिए और मेल्ट होने के बाद इस गुड़ में डालेंगे 1/2 चम्मच छोटी इलायची पाउडर। मिक्स करने के बाद 1 चम्मच सौंफ डालिए, गुड़ में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ जाएगा। अब जब गुड़ पिघल जाए तो इसमें डालिए 2 कटोरी रामदाना। अगर आपका पिघला हुआ गुड़ का मिक्स जो है वो ज्यादा लग रहा हो तो आप रामदाना की मात्रा बढ़ा लीजिए। बस अब अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। गुड़ और रामदाने को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए और जब ये मिक्सचर गरम हो, जो आप हाथ से छू सकें, तो बस उसी गरम गरम रामदाने से आप लड्डू बांधिए थोड़े टाइट हाथ से। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ये लड्डू जो है तैयार हो गए हैं। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है फ्रेंड्स। अब आइए झटपट से बना लेते हैं बर्फी। तो ये हमारे चीनी के उबले पानी में हम फ्लेवर के लिए डालेंगे 1/2 चम्मच हरी इलायची पाउडर और इसमें हम डालेंगे रामदाना। दोस्तों, इसमें भी उतना ही रामदाना डालिए कि एक डो जैसा बन जाए। बस इसको किसी कंटेनर में घी की ब्रशिंग करके डालिए और सेट करके फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख दीजिए, जब तक कि जमने वाली कंसिस्टेंसी तैयार ना हो जाए तब तक। अब ये देखिए, हमने अपना बर्फी का कंटेनर फ्रिज से निकाल लिया है और हम अब काट लेंगे बर्फी। आप अपनी पसंद के हिसाब से बर्फी काट लीजिएगा। मैंने थोड़े बड़े साइज की बर्फी काटी है
और बर्फी काटने के बाद मैं ऊपर से फ्लेवर के लिए लगाऊंगी नारियल का बुरादा यानी डेसिकेटेड नारियल। आप चाहें तो गोला यानी सूखा नारियल भी यूज कर सकते हैं। और नारियल के बाद मैंने थोड़ी सी सौंफ और मिश्री का भी इस्तेमाल किया है, ये ऑप्शनल है दोस्तों। तो लीजिए, व्रत की झटपट तैयार होने वाली इतनी सिंपल बढ़िया मिठाइयाँ तैयार हैं। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा इन नवरात्रों के दौरान। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये झटपट तैयार होने वाली नवरात्रों की मिठाई पसंद आई होगी। तो दोस्तों, एक बढ़िया सा लाइक देते जाइएगा और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक बढ़िया सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए शिवानी की तरफ से आपको हैप्पी नवरात्रि। बाय बाय।